जहां लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट हादसे में अपनी मां और पत्नी को गंवाने के बाद सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर का बयान सामने आया है। अब्बास का कहना है कि अलाया अपार्टमेंट हादसे में अभी तक जिम्मेदार लोगों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। अब्बास का कहना है कि उनको मुआवजा नहीं चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। मैं अब्बास हैदर अलाया अपार्टमेंट वजीर हसन रोड का निवासी था, जिस बिल्डिंग के ढह जाने से मैंने अपनी पत्नी और अपनी माता जी को खो दिया। इस बिल्डिंग के ढह जाने की जो वजह थी, जो उसमें दोषी थे, उनको लेकर के मैंने हजरतगंज थाने में कई बार तहरीर दी है, लेकिन अभी तक जो असली दोषी हैं वो पुलिस के शिकंजे से बाहर हैं। कहीं ना कहीं शासन में बैठे कुछ लोग उनको संरक्षित कर रहे हैं। आज LDA के VC को संबोधित एक पत्र भेजा गया जिसमें मेरा नाम लिखा है, जिसमें कुछ और लोगों का नाम लिखा है, जिनमें से कोई भी उस बिल्डिंग का मालिकाना हक नहीं रखता।